अम्बाला में बहुजन समाज पार्टी द्वारा जनस्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया। इस अवसर पर पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अरविंद शर्मा का नाम घोषित किया, जिसका वहां मौजूद सभी ने अभिवादन किया। बहुजन समाज पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनावों में पहली बार सक्रिय नजर आ रही है। इसका मुख्य कारण अरविंद शर्मा जैसा बड़ा चेहरा मिलना माना जा रहा है। इस अवसर पर अरविंद शर्मा ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला और पिछड़ों से धोखा करने का आरोप लगाया। सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने किया तो कांग्रेस के बाद बीजेपी ने किया। कितना बड़ा धोखा बीजेपी ने किया, बैकवर्ड समाज के साथ। क्या धोखा? जो बीसी कैटेगरी में लोग डाले, केंद्र सरकार ने केंद्र की रिजर्वेशन में 27% में जो सेंध लगाई कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने, उसको बीजेपी ने चुनाव जीतते उस पर मोहर लगा दी कि जो कांग्रेस ने किया था वो ठीक किया था। इतना बड़ा धोखा बीसी समाज के साथ होगा? बहुजन समाज पार्टी द्वारा ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए अरविंद शर्मा को शामिल करना कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाले चुनावों के नतीजे ही बताएंगे। अम्बाला से SD शर्मा, इंडिया 24 के लिए।